साथियों बताने वाले हैं कि हमारा जो टॉपिक आज का होने वाला है कि हम लोग UMTE डोंगल को कैसे यूज करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, कोई भी जितने भी सारे पर्सन जो रिपेयरिंग करने वाले होते हैं, अगर ये डोंगल आप जब नया खरीद लेते हैं तो नया खरीदने के बाद आप इसको चलाएंगे कैसे। कभी भी जब डोंगल नया खरीद लेते हैं, हमारा सिस्टम होता है, इसको चलाने का तरीका क्या होता है। इसको चलाने के लिए सबसे पहले डोंगल को अपने सिस्टम में लगाना होता है। जब आप डोंगल को अपने सिस्टम में लगा देंगे, कंप्यूटर में लगा देंगे, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इसको सिस्टम में कनेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे, गूगल में टाइप करेंगे। गूगल में क्या टाइप करेंगे, UMTE सपोर्ट एक्सेस रिपेयर माय मोबाइल। जैसे UMTE सपोर्ट एक्सेस रिपेयर माय मोबाइल करके सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद देखिए यहां पर ऑप्शन आ जाएगा, इसे ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपके स्क्रीन में इसका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। जब आपकी स्क्रीन में सॉफ्टवेयर खुल जाएगा तो सॉफ्टवेयर खुलने के बाद यहां पर देखो लिख करके आता है UMTE एक्सेस डाउनलोड 2.0। क्या लिख के आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसमें क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा डाउनलोड हो गया है। इसको यहां से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको हमने यहां पर पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, जैसे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करते ही यहां पर सेटअप आ जाएगा। जब ये पेस्ट कर लेंगे तो इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर। क्या करेंगे, जब आप इसको एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हियर करते ही ये खुल जाएगा, इसका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये इसका सॉफ्टवेयर खुल गया है। नहीं हुआ लगता है, डिलीट हो गया, रिमूव हो गया ना। अब इसका रिमूव होने का कारण मतलब क्या है कि इसके एंटीवायरस, इसके अंदर एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस जाग जाता है। जैसे एंटीवायरस जाग जाता है तुम यहां लेकर के आओगे नहीं, तब तक वो अपना काम तमाम कर देगा। एंटीवायरस को बंद कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। ये प्रॉब्लम विंडो 10-11 के लिए बहुत दुश्मन है। आप सेटिंग में जाएंगे, प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाएंगे, विंडो सिक्योरिटी में जाएंगे, विंडो सिक्योरिटी के अंदर वायरस प्रोटेक्शन में जाएंगे। मैनेज सेटिंग में जाएंगे, इसको बंद कर देंगे। बंद कर दिया, बंद करने के बाद फिर तुमको वही पुराना प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, तुमको गूगल में जाना पड़ेगा। फिर से आप डाउनलोड करेंगे, तुम यहां पर डाउनलोड करके ला नहीं पाओगे, तब तक ये क्या करेगा, इसको डिलीट मार देगा। फिर हम इसको दोबारा खोलेंगे,
ये तो का सेटअप खुल के आ गया। अब इस सेटअप को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसे सेटअप को इंस्टॉल करेंगे ISF एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉलेशन चालू हो गया। अब इसमें UMT सपोर्ट का ऐसा रिंच पाना जैसा ऐसा निशान बन के आएगा, लोगो बन के आ जाएगा। लोगो बन के आने का मतलब है कि हमारा सपोर्ट खुल गया है। ये सपोर्ट खोलेंगे तो सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन में खुल करके आ जाएगा, लेकिन आपके सिस्टम में इंटरनेट चलना चाहिए। इंटरनेट चलेगा तभी खुलेगा सॉफ्टवेयर, नहीं तो नहीं खुलेगा, बोलेगा पेज कैन नॉट बी फाइंड। अभी सॉफ्टवेयर में सबसे पहला कॉलम ऑप्शन आता है ड्राइवर का, दूसरा ऑप्शन आता है इंस्टॉलर का, तीसरा ऑप्शन होता है UMT कार्ड मैनेजर का। सबसे पहले डोंगल चालू करने के लिए हमको पहला काम तो प्राइमरी है क्या काम करना होता है, UMT कार्ड मैनेजर में जाना होता है, UMT कार्ड मैनेजर को डाउनलोड करना होता है। इसे डाउनलोड को ओके करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे तो डाउनलोडिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जब ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। जब अपडेट हो जाएगा तो हमारा सिस्टम से हमारा डोंगल कनेक्ट हो जाएगा और अपडेट भी हो जाएगा, ताकि कंप्यूटर को डोंगल को पता चल जाता है कि हमारा कनेक्शन इस कंप्यूटर के साथ में कर दिया गया है। अच्छा, डोंगल वालों ने इसलिए कर रखा है ताकि इस डोंगल को कोई बार बार अलग अलग कंप्यूटर पर न लगा सके। इस डोंगल को 3 बार सिस्टम से ज्यादा अपडेट कर दोगे तो 24-48 घंटे के लिए बंद भी हो जाता है। हम लोग लोकेशन में जाएंगे, लोकेशन के जाने के बाद देखो UMT कार्ड मैनेजर का ऑप्शन आ गया है। इसे क्या करोगे, स्ट्रैक शेयर करोगे, क्या करोगे, जैसे आप इसको स्ट्रैक शेयर करोगे तो UMT कार्ड मैनेजर खुल जाएगा। UMT कार्ड मैनेजर खुलने के बाद आप इसे ओपन करेंगे, यस करेंगे, अपडेट कार्ड काउंटर में जाएंगे, कार्ड अपडेट करेंगे तो अपडेशन आपका क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जब अपडेट चालू हो जाएगा उसके बाद गेट कार्ड इन्फो में जाएंगे। अपडेट कार्ड मतलब कार्ड अपडेट हो गया, गेट कार्ड इन्फो में उसकी डिटेल आ जाएगी कि आ गया भाई 21 नवंबर 2023 तक इसमें प्लान है और ये इसका सीरियल नंबर है, ये सारी बातें इसमें लिख करके आ जाती है। अब आपका डोंगल क्या हो गया, सिस्टम में अपडेट हो गया और डोंगल आपका सिस्टम में एक्टिव भी हो गया। दो चीजें हो गई, सिस्टम में अपडेट हो गया और एक्टिव भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर सपोर्ट में जाएंगे, सपोर्ट में जाने गो बैक करेंगे, पीछे चले जाएंगे, हमारा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। सबसे पहले हमको डाउनलोड करना होता है ड्राइवर। ड्राइवर आप यहां से कर लीजिए, चाहे गूगल से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। हम सबसे पहले ड्राइवर डाउनलोड करेंगे SPD, क्योंकि आज हम लोग जो SPD का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। किसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं, SPD का। स्टार्ट, अब ये दोनों को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। जब ये ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं, ड्राइवर का काम होता है मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना। क्या करना, मोबाइल फोन को सिस्टम से। जब मोबाइल फोन आपका सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा तभी उसमें सॉफ्टवेयर डल पाएगा। अभी देखिए, फिर आप सपोर्ट में जाएंगे, सपोर्ट पर गो बैक में जाएंगे। गो बैक के बाद अब आपको अगला चीज चाहिए होता है इंस्टॉलर। क्या चीज चाहिए होता है, इंस्टॉलर। हम लोगों को क्या क्या डाउनलोड करना पड़ता है, हमको सबसे पहली बार 5.5.1 इंडियन वर्जन डाउनलोड करना पड़ता है। इसके माध्यम से हम लोग सैमसंग के पुराने मोबाइल फोन ठीक करते हैं। 8.7 QC5 डाउनलोड करना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम लोग सारे क्वालिकॉम के मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं। उसके बाद आपका आता है ये मीडियाटेक का 0.5, जिसमें मीडियाटेक के नए CPU रिपेयर होते हैं। ये 5.1 आता है, जिसमें मीडियाटेक के 5.1 मोबाइल फोन रिपेयर होते हैं। ये लिखा है सैमसंग 0.4, इसमें सैमसंग के जितने मोबाइल फोन होते हैं वो सैमसंग के मोबाइल फोन रिपेयर होते हैं। उसके बाद आपका यूनिसॉक होता है। यूनिसॉक का मतलब होता है इसमें हम SPD CPU को रिपेयर करते हैं। इसको रिपेयर करते हैं, SPD CPU को रिपेयर करते हैं। तो ये सारा सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं और उनको ऑपरेट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिसॉक में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, यूनिसॉक में जाएंगे और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे।
तो यूनिशॉक वाला जो रहता है वो एसवीडी सीपीयू को रिपेयर करेगा। किसको रिपेयर करेगा? क्योंकि हम लोग पहले क्वालिकॉम को सीख चुके हैं, मीडियाटेक को सीख चुके हैं, मीडियाटेक का नया सीख चुके हैं, आज हमारा जो टर्न है वो एसवीडी सीपीयू का है। अभी जब मैं एसपीडी वाला प्रैक्टिकल करा दूंगा तो सब लोग एक एक करके प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, लॉक लगाएंगे, खोलेंगे। इसके माध्यम से सैमसंग के जितने कीपैड मोबाइल फोन आते हैं, आईटेल लावा इंटेक्स के जो मोबाइल फोन आते हैं, या एंड्रॉयड मोबाइल फोन ऐसे होते हैं जिसके अंदर एसपीडी सीपीयू लगा होता है, कौन सा सीपीयू लगा होता है, वो सारा सब कुछ इसके में रिपेयर होगा। अब देखिए इसको हम लोग वेट करेंगे, इसको पहले पूरा डाउनलोड हो जाने देंगे। जैसे पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसको उपयोग करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? लोकेशन में जाएंगे। लोकेशन में जाने के बाद सबसे पहले जो हमने एसपीडी का ड्राइवर डाउनलोड किया, ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। ड्राइवर कहां पर है एसपीडी के? एक तो ये जिंगर बीट करके इसको आप एक्सट्रैक्ट शेयर करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि जो विनरार फॉर्म में होता है उसको पहले एक्सट्रैक्ट शेयर करना होता है, जब ये खुलेगा तभी आ जाएगा। ये देखिए आ गया, इसको इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो गया। अब देखिए एक और है, कोई एसपीडी का दो ड्राइवर देना, ये तो हमने इंस्टॉल ही किया अभी। नहीं, डाउनलोड तो हम लोगों ने दो करे थे। वो यूनिशॉक तो था, वो था ये SCI USB, ये लगता है आया नहीं। ये आ गया, चौसठ बिट का। ये हमारे इंस्टॉल हो गया। अब आपको अगला इंस्टॉल करना होता है ये यूनिशॉक पर जो आपने डाउनलोड किया, ये वाला, इसको पहले स्ट्रैक क्लियर करेंगे। जैसे आप इसको स्ट्रैक क्लियर कर देंगे तो यूनिशॉक का आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, ये हमने इसको क्लोज कर दे, ये हमारे इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद इसको क्लोज किया, क्लोज किया। अब यहाँ पर हमारा आ गया यूनिशॉक आ गया। इसमें हमारे जितने भी एसपीडी के मोबाइल फोन होंगे, सारे एसपीडी के मोबाइल फोन को हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। कैसे रिपेयर करेंगे? इसको पहले खोलेंगे,
ये खोलते ही सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन में खुल करके आ जाएगा। ये देखिए ये खुल के आ गया। इसमें तो सबसे पहला ऑप्शन आता है डायग्नोस्टिक मोड यूनिट्स। ये हमारा जो मोबाइल फोन होता है इससे मोबाइल फोन को कनेक्ट करते हैं, रीड फोन पासवर्ड। ये होता है फ्लैश मोड। ये फ्लैश मोड होता है, इसमें हम लोग जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में जो भी काम करना होता है, जैसे नोकिया का मॉडल आ गया या जो भी, इसके अंदर देखो इसके अंदर वही मॉडल आते हैं जो स्पीडी सीपी होते हैं। कौन से होते हैं? आईटेल। आईटेल के बाद कौन सा मॉडल आ गया? जो मॉडल तुमको लेना है वो मॉडल ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर करना क्या चाहते हो, उसमें आप ये करना चाहते हो कि उसमें फॉर्मेट करना चाहते हो तो सेव मोड फॉर्मेट कर दीजिए। अगर आप उसमें एफआरबी हटाना चाहते हो तो रिमूव एफआरबी कर दीजिए। बस दो ही लॉक लगता है एसबीडी सीपी में, ये तो लॉक लगता है, ये तो फॉर्मेट कर दीजिए, तो एफआरबी हटा दीजिए। रिमूव एफआरबी करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे, फोन कनेक्ट कराएंगे, आपका फोन एफआरबी हट जाएगा। यदि मान लिया आप मोबाइल फोन को फ्लैश करना चाहते हैं तो फर्मवेयर फ्लैशर में जाएंगे। फर्मवेयर फ्लैशर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ओपन पैक फाइल का ऑप्शन आता है। यहाँ पर ओपन पैक फाइल पे क्लिक करेंगे। जब ओपन पैक फाइल पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा तुम्हारे अंदर एसपीडी का फाइल कहाँ रखा हुआ है। जहाँ पर एसपीडी का फाइल है उस फाइल को लोड करके फ्लैश कर देंगे, फ्लैश हो जाएगा। इसके माध्यम से सैमसंग एमसंग के जो कीपैड मोबाइल फोन आते हैं वो हमारे सैमसंग वाले कॉलम में नहीं होते, वो एसपीडी सीपीयू होता है, यहीं से होते हैं। आपके पास वो कीपैड वाला फोन है सैमसंग वाला, दिखाइए जरा। मैं आपको एक मोबाइल फोन में लॉक तोड़ के दिखाता हूँ, उसके माध्यम से कैसे इसमें लॉक तोड़ा जाता है। हाँ, एंड्रॉइड मोबाइल फोन में फ्लैश करने से लॉक नहीं टूटता, सिर्फ कीपैड मोबाइल फोन में फ्लैश करने से लॉक टूटता है। डाटा केबल है, कितनी बार डाटा केबल भी है। एसपीडी सीपीयू को मोबाइल फोन है, कौन सा है? एसपीडी सीपीयू को मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन में हम लोग क्या करते हैं, पहले लॉक लगा देते हैं। सेटिंग में गए, लॉक लगा दिया। इस फोन में लॉक लग जाता है तो फोन का जब कोई भी कस्टमर होता है मोबाइल फोन को जब चालू करेगा तो कहीं ना कहीं वो पासवर्ड मांगेगा। क्या मांगेगा? पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड मांग रहा, देखो इस तरीके से लॉक लग जाता है। ठीक, अब इसको तोड़ने के लिए क्या करना है, सबसे पहले फोन को बंद करना है। क्या करना है? फोन को स्विच ऑफ करना है। फोन को स्विच ऑफ करने के बाद सबसे पहला प्राइमरी काम क्या करना है, फोन को कनेक्ट कराना है। क्या करना है? फोन कनेक्ट कराना। अगर आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो रहा है तभी तो लॉक खुलेगा, जब कनेक्ट ही नहीं होगा तो लॉक कहां से खुलेगा। अच्छा, फोन कनेक्ट कहां पर होता है? फोन कनेक्ट करने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा? हाँ, डिवाइस मैनेजर, मैनेज में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? मैनेज में जाएंगे। मैनेज के बाद ऑप्शन खुलता है डिवाइस मैनेजर का। डिवाइस मैनेजर में हम फोन को कनेक्ट कराएंगे। इसमें क्या होता है, बूट की या तो ओके वाला होता है या तो बीच वाला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला बटन दबाएंगे और फोन को कनेक्ट कराएंगे। देखिए फोन कनेक्ट होगा, ये देखिए इसने एसपीआरडी कॉम 10 पोर्ट बनाया। कॉम 10 पोर्ट बनाने का मतलब क्या है, फोन कनेक्ट हो गया। क्या हो गया? फोन कनेक्ट हो गया। अब फोन कनेक्ट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, फोन को चालू करेंगे। चालू करने के बाद इस मोबाइल फोन में लॉक लगाए। अब इस मोबाइल फोन में लॉक खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। जैसे इसमें फ्लैशिंग कर देंगे तो इसका लॉक खुल जाएगा। अब हमको फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। तुम्हारे पास इसका फाइल डाउनलोड है सिस्टम में? अगर नहीं हो तो हम लोग डाउनलोड करेंगे। इसका फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर, सैमसंग कर लो। आप देखिए, मैं तुमको एक YouTube से भी फाइल डाउनलोड करने का तरीका सिखा देता हूँ कि Google से तो सब लोग कर ही लेते हो,
इसकी फाइल यूट्यूब पे एक फाइल मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? जैसे आपने डाला सैमसंग B310 फ्लैशिंग, जैसे आप इसमें सर्च करोगे तो ऐसा खुल जाएगा। इसमें जैसे वीडियो खुल जाती है, इस वीडियो को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब आप इस वीडियो को ओपन करेंगे तो वीडियो को ओपन करने के बाद आप इसके शो मोर में जाएंगे। यहाँ पर देखिए डिटेल में इसकी लिंक में फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कहाँ पर फाइल पड़ी है, वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके लिए दे देगा। ये फाइल है, इसे यहाँ से क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये हमारी सैमसंग की फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई। ये डाउनलोड हो गया, इस पर ओपन किया, ये तुम्हारी फाइल आ गई। इस फाइल को कॉपी किया, कॉपी करने बाद डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लेंगे। क्या करेंगे, फोल्डर ओपन करेंगे, इसके अंदर पेस्ट करेंगे। ये हमारी फाइल आ गई। इस फाइल को पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट शेयर करेंगे। रार फॉर्म में है ना, इसको एक्सट्रैक्ट शेयर करेंगे। ये फाइल को हमने बाहर लाए, ये फाइल को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट शेयर कर दिया। जैसे फाइल को एक्सट्रैक्ट शेयर कर दिया तो ऐसा फोल्डर बन के आ गया। इस फोल्डर को खोला, इस फोल्डर के अंदर ये तुम्हारी पैक फाइल पड़ी है, पड़ी है ना, क्योंकि एसपीडी सीपीयू का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पैक नाम से होता है। किस नाम से होता है? डॉट पैक नाम से होता है। अब आप क्या करेंगे, इस फाइल को इसमें लोड कर देंगे। ये अपना टूल खोला, टूल खोलने के बाद फर्मवेयर पे गए, फर्मवेयर में ओपन पैक फाइल में गए। ये पूछेगा फाइल कहाँ है, तो हम बोलेंगे डेस्कटॉप में चले जाओ। डेस्कटॉप के अंदर B310 नाम से फोल्डर आ रहा होगा, कहीं पर आ रहा है, ये आ गया। इसे ओपन किया, इसके अंदर ये डॉट पैक फाइल पड़ी है, इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे फाइल वहां पर लोड हो जाएगी, फाइल लोड हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपको ये मोबाइल फोन इसमें फ्लैशिंग करने के लिए फोन को पहले स्विच ऑफ करना है। क्या करना है, फोन को स्विच ऑफ करना है। फोन को स्विच ऑफ करने के बाद क्या, बैटरी हटा देना है। बैटरी हटा देने के बाद मैं चालू कर देना है, मैं फिर दिखाता हूँ। जैसे हम चालू करेंगे तो चालू करते समय ये पासवर्ड मांगता है, क्या मांगता है, चालू करते समय पासवर्ड मांगता है। जैसे मोबाइल फोन में फ्लैशिंग हो जाएगी, नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो इसका पासवर्ड टूट जाएगा। देखो मांगा,
अब देखिए कैसे लगाया, उसके बाद यहाँ पर फ्लैश फोन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए ऐसे लाइनिंग चलने लगेगी, ये फ्लैशिंग जैसा आइकन चलने लगा। अब आपको क्या करना है, ये ओके वाली बटन दबा देनी है और ऐसे लगा देना है। ये देखिए ये आपके फोन में फ्लैशिंग चढ़ना चालू हो गया, ये सॉफ्टवेयर डल रहा है। जब पहली बार लाइन चलती है तो इसका मतलब होता है कि यहां तक लाइन कनेक्ट हो रही है, आप इसके बीच में फोन लगा दीजिए। जैसे आप इसके बीच में फोन लगा देंगे तो आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन में फ्लैशिंग हो जाएगी, फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इसमें फ्लैशिंग हो जाएगी तो फ्लैशिंग होते ही आपका मोबाइल फोन पूरा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और आपका मोबाइल फोन रिस्टार्ट हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा, पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे मोबाइल फोन के अंदर आ जाएगा। जो हमारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर आ जाएगा तो हमारा मोबाइल फोन फ्लैश हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन में जो भी लॉक लगाया है, पासवर्ड लगाया है, जो भी ऐसी सारी कमी है, वो सारी कमी क्या हो जाएगी, मोबाइल फोन में ठीक हो जाएंगी। ये जो मैंने एसपीडी सीपीयू को बताया, अब ये फाइल छोटी थी तो इसको डलने में समय नहीं लगा, एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट का समय लगता है। एंड्रॉयड फोन की फाइल को डलने में 15-15 मिनट तक का भी समय लग सकता है, डिपेंड करता है मोबाइल फोन के ऊपर। जैसे जैसे मोबाइल फोन का साइज जैसे होता है उसी हिसाब से फाइल उसमें क्या होती है, इंस्टॉल होती है, फाइल इंस्टॉल होती है। जब फाइल इंस्टॉल हो जाएगी तो आपका मोबाइल फोन पूरा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। देखिए हम लोग वेट करेंगे 100 तक का। ये फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट हो गया पूरा। ओके डन, लिख गया पूरा मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे सॉफ्टवेयर हो जाएगा आप डाटा केबल निकालेंगे और जब तक डन नहीं होगा तब तक आप डाटा केबल नहीं निकालेंगे। ये देखो पूरा मोबाइल फोन चालू हो गया। हो गया, पासवर्ड टूट गया। ठीक, ऐसे हम लोग स्पीडी मोबाइल फोन के सारे मोबाइल फोन को लॉक को क्या करेंगे, खोलेंगे। तो आज हमने पूरा डोंगल को इंस्टॉल करना, अपडेट करना, एक्टिव करना, चालू करना सब कुछ बताया है। अब बाकी सारे फीचर आप लोग नोट करेंगे आएंगे और पहले इस मोबाइल फोन में लॉक लगाएं और एक बार खोल के देखें, प्रैक्टिकल करें, ताकि जो मैंने सिखाया उसी तरीके से आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। करो।